हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मीना शर्मा। असली देसी किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं देखिए क्या बना रही हूँ। आज बना रही हूँ मक्की की रोटी। अभी दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये है डेढ़ कटोरी यानी डेढ़ कप आटा मक्की का। तो इसकी मैं बनाऊंगी आज रोटियाँ गैस के चूल्हे पर, और आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मक्की का आटा मैंने लगा लिया है। देखिए अब मैं रोटियाँ बनाने जा रही हूँ। इधर मेरा दूध भी बॉयल हो रहा है और इसमें दाल बना रखी है उड़द की, उड़द छिलका। देखिए अब रोटियां बननी स्टार्ट होंगी। शायद लोग बनाते हैं तो वो आटे के साथ लोई को करके तब बनाते हैं, बट मैं ऐसे ही बना। देखिए लोई बना ली है और मैं कोई बेलन से नहीं बेलूंगी इसको आटे लगा के। मैं सिर्फ ऐसे पानी के सहारे से पानी लगा के हाथ पर और ऐसे बनाती हूँ मैं। मैंने सोचा आज आपको दिखा देती हूँ, शेयर कर देती हूँ मैं रोटी कैसे बनाती हूँ मक्की की। और इसको हाथों से ही मैं ऐसे पूरी रोटी बना दूंगी। ये कहीं से भी नहीं फटी है देखिए। और मैंने इसमें गेहूं का आटा भी नहीं मिक्स किया है, क्योंकि गेहूं का आटा मिक्स कर लो तो रोटी करारी नहीं बनती है। और हमारे घर में क्या, अधिकांश लोग करारी ही खाते होंगे, सभी लोग करारी रोटी अच्छी लगती है, खस्ता एकदम करारी सी। पहले ये थोड़ा गर्म हो जाए, साथ में दूध भी उबाल रही हूँ मैं, साथ में ये भी हो जाएगा। पलट दिया मैंने रोटी को चूल्हे पे, तो अच्छी बनती है बट मैं तो गैस पे ही बनाती हूँ। इसको डाल देती हूँ तवे पर और तब तक इसको सेकती हूँ मैं। सब तरफ से घुमा घुमा कर मैं इसे सेक लेती हूँ। देखिए रोटी एकदम करारी सेक ली है, देखिए सब तरफ से, और एक रोटी बन गई है। इसको यहाँ खड़ी कर देती हूँ, क्योंकि अगर और पॉट में रखूंगी तो ये मुलायम हो जाएगी, तो मुलायम हमें नहीं चाहिए। रोटी चाहिए करारी दाल के साथ। ऐसे और बना लेती हूँ। ओ जी, सूख गई हमारी रोटियां, देखिए इतनी बड़ी बड़ी। और जिस जिसको भी खानी है तो आ जाइए हमारे घर, है भाई शर्मा जी। ओ शर्मा जी, रोटी किसी को भी जिसको खानी है वो आ जाए, है ना, दाल के साथ रोटी। मक्की की रोटी बाजरे का साग कहाँ होता है। बाजरे की भी तो रोटी होती है, साग की रोटी, बाजरे का रोटा नहीं, उड़द की दाल या ग्वार की फली, इन चीजों से अच्छी लगती है। तो देखिए फ्रेंड्स, मक्की की रोटी बन गई है देखिए, और ये है दाल, ये है रोटी। तो आ जाइए आप भी खा लीजिए, और आप भी मेरी रेसिपी को ट्राई जरूर करना, ऐसी रोटी बनाना जरूर जी आप भी, और मेरी रेसिपी को ट्राई करना, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू।